हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आगे एक और वीडियो लेके, और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम लोग घूमने आए हुए बसलटन। बसलटन में हम लोग आए हैं जेटी देखने। यस, जेटी बहुत ही सुंदर जेटी है और ये वर्ल्ड फेमस जेटी है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जेटी का सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ की एक ट्रेन। सो आज हम जेटी तो देखेंगे ही, और साथ में हम देखने वाले हैं ट्रेन, जेटी के ऊपर चलने वाली ट्रेन। बेसिकली सोलर पावर्ड बेस्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, उसको टॉय ट्रेन बोल सकते हैं। सो आज हम उस ट्रेन में बैठ के समुद्र का सुंदर सा नजारा एंजॉय करने वाले हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा। ये है ट्रेन की पटरी जो जेटी पर चलती है। पीछे जेटी अभी हम जाने वाले हैं। सो इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ। सो जेटी तो आप लोगों को जैसे पता ही है, जेटी एक तरह से समझ लीजिए एक रास्ता होता है, या फिर एक ब्रिज समझ लीजिएगा, जिसके थ्रू हम बोट पे चढ़ सकते हैं। सो मान लीजिए बड़ा समुद्र है और जो बड़ी बड़ी शिप है या बोट है वो जो है बिल्कुल किनारे पे तो आ नहीं सकती, क्योंकि वहां पे धस जाएगी बोट या शिप। तो इसलिए क्या होता है कि जो बोट पे चढ़ने के लिए या फिर शिप पे चढ़ने के लिए हम जो इस ब्रिज या इस रास्ते के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वुडन जेटी है ये। बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है बेसिकली। कबूतर कबूतर जा 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 कबूतर जा। सो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जेटी पर। सो अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन पर यहाँ का टिकट परचेस करने के लिए। चूंकि हमारे पास प्रैम भी है, सो ट्रेन के अंदर तो प्रैम अलाउड नहीं है, सो उसको भी हमको लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लॉकर परचेस कर लेंगे अभी, और यहीं पे उसको लॉक कर देंगे। सो हमने भी लॉकर परचेस कर लिया है, और यहाँ पे जो मैम है उन्होंने गाइड किया है, यहाँ पे इसको हम साइड में इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, और यहाँ पे सेफ रहेगा हमारा प्रेम। हाँ बेटा, प्रेम को लॉक कर दिया आपके, आपको भी यहीं छोड़ जाए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, चल। सो अभी हमने टिकट ले लिया है, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अभी हो रहे 12:15 बज रहे हैं, और 12 बजे की ट्रेन है। सो हम लोग अभी यहीं आसपास वॉक करते हैं, फिर ट्रेन में बैठ के घूमते हैं। ये है ट्रेन में बैठने वालों की लाइन। सानवी कहाँ बैठेगी बेटा? ट्रेन आई छक छक छक। आगे हमारी रेड कलर की छोटी सी क्यूट सी ट्रेन। इस क्यूट सी ट्रेन पर राइड लेकर इस जेटी का लगभग 2 किलोमीटर का सुंदर सा सफर तय करेंगे। सो क्योंकि ये ट्रेन चारों तरफ से ओपन है, आप देख भी सकते हैं, उसकी वजह से जो है समुद्र का भी बढ़िया सा नजारा देखने को मिलेगा, और अगर किस्मत हुई तो हो सकता है कुछ डॉल्फिन्स भी देखने को मिल जाए। सो चलिए आनंद लेते हैं इस जर्नी को साथ में। चलो चलो चलो, बैठो भाई गाड़ी अपनी। यहाँ पर आने के लिए हम लोग तो एक्साइटेड थे ही, बट मेरी डॉटर भी काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको हमने बताया था कि हम लोग ट्रेन में बैठने वाले हैं, और मेरी डॉटर एक्चुअली कभी ट्रेन में आज तक बैठी नहीं है, बस टीवी वगैरह में ही देखा है। सो वो भी काफी एक्साइटेड है, होपफुली उसको भी मजा आएगा ट्रेन में बैठ के। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रेन में बैठ के। यहाँ पे मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, कितना सुंदर नजारा है, नीला नीला आसमान है, साफ पानी है, बहुत ही सुंदर नजारा है समुद्र का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र को देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप भी मेरे साथ इस ट्रेन के राइड को एंजॉय कर रहे होंगे। इस जेटी को जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, तो काफी लोग यहाँ पर स्पेशली वॉक करने के लिए भी आते हैं। काफी सुंदर रास्ता है, काफी अच्छा लगता है वॉक करना, और कुछ लोग तो यहाँ पर स्पेशली सनसेट देखने आते हैं, या फिर कुछ लोग जस्ट रिलैक्स करने के लिए आते हैं।
और यहाँ पे जो बीच बीच में काफी सारे बेंचें रखी हुई हैं, सो काफी अच्छा लगता है बीच बीच में आप रिलैक्स करके आराम से समुद्र के बीच में खुली हवा का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है एकदम समुद्र के बीच में ट्रेन, तुमने सोचा नहीं था। ठीक है, मछली पकड़ रहे हैं उधर। और अभी हमको जस्ट अभी डॉल्फिन दिखी, थोड़ा दूरी पे थी तो कैमरा में हो सकता है न कैप्चर हो, बट बहुत ही अच्छा लगा उसको देख के। चलो डॉल्फिन भी हमको फाइनली देखने को मिल गई है। वास्तव में जो है ये देखिए पूरा प्राइवेट कंपार्टमेंट मिला हुआ है हमको जेट सीट का। आने वाला है स्टेशन, सो अभी हमारी जो जेटी का एंड पॉइंट आने वाला है, ये एग्जैक्टली तो 1.84 किलोमीटर की ये जेटी है। अभी हम लोग उतर गए ट्रेन से और बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच गए। जैसे कि मैंने बताया था 2 किलोमीटर की जेटी बनी हुई है, पूरा 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है ट्रेन के थ्रू, और थोड़ी सी वॉक बची है, वहां पर जाते हैं एंड पॉइंट पे और मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, समुद्र की तरफ आ गए हैं, 1.841 किलोमीटर। और ये देखिए सामने जो है दुनिया के बड़े बड़े शहरों के नाम लिखे हैं, पेरिस, सिंगापुर, लंदन, और उनकी डायरेक्शन भी लिखी हुई है कि कौन से डायरेक्शन में है, कितने किलोमीटर पे है, ये सब इसमें लिख रखा है। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं वापस, 8 मिनट का ब्रेक मिला था, 8 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ेगी। और इस जेटी की एक और मेन अट्रैक्शन है, वो है यहाँ की ऑब्जर्वेटरी, बेसिकली मछली घर, जी हाँ, जो कि जेटी के बिल्कुल एंड में ही है। सो बेसिकली हम लोग एंड में ही पहुँच गए हैं जेटी के, और यहीं पे इसके ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, मतलब जो जलीय जीव हैं वो सब कहाँ कैसे रखे जाते हैं, किस माहौल में रखे जाते हैं, वो सब यहाँ पे है। तो वहाँ तो अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि डॉक्टर अभी टायर्ड हो चुकी है, और वैसे भी अभी हम पर्थ का बहुत ही फेमस एक्वेरियम हम लोग देख के आए हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है मछली घर के नाम से, बहुत ही सुंदर वीडियो है, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो है वो। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या ऊपर आप कार्ड पे आ जाएगा, आप उसमें जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू। फाइनली हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से, ये बहुत ही मजा आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो चलिए इसी वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।